जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। मैं ताहिर हुसैन, काउंसलर आम आदमी पार्टी नहरीबाग वार्ड विधानसभा मुस्तफाबाद से आपके सामने कुछ सच्चाई रखना चाहता हूं। कल 3 अक्टूबर बाबू हलवाई चौक पुराने मुस्तफाबाद में मुस्तफाबाद विधानसभा के पूर्व विधायक जनाब भाई हसन अहमद साहब ने एक प्रदर्शन किया था, जो कि MCD काउंसलर के खिलाफ किया गया। मैं ये जानना चाहता हूं कि हसन भाई, आखिर आप जनता को गुमराह करने का काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि पिछले 22 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और दिल्ली ईस्ट MCD में कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है। और हड़ताल का मतलब ये होता है कि हड़ताल वाले ना काम करते हैं ना काम करने देते हैं। हमने पीछे कोशिश की थी, रात में एक ट्रैक्टर लगाकर मुहर्रम के टाइम पे हमने काम करा था, लेकिन उन ट्रैक्टरों वाले के साथ हमारे जो कर्मचारी यहाँ के थे उन लोगों ने उनके साथ मारपीट की। और भी जगह, कई जगह ऐसा सुनने में आया है, देखा भी गया है, वीडियो भी देखी है, जहाँ पे कर्मचारियों ने जो प्राइवेट लोगों से काम करा रहे थे उनके साथ बदतमीजी की, मारपीट की, तोड़फोड़ की। तो इस तरह का रिस्क कोई भी कर्मचारी या कोई भी काम करने वाला नहीं लेगा। किसी को भी पैसे इतने प्यारे नहीं होते, जान अपनी ज्यादा प्यारी होती है, जिसकी वजह से यहाँ प्राइवेट तरीके से काम नहीं हो पा रहा है। हड़ताल चल रही है, आपको मालूम होना चाहिए। दूसरी बात, बहुत अच्छी बात है कि आपको कम से कम 4 साल के बाद ये बात याद आई कि मुस्तफाबाद विधानसभा के अंदर मुझे विपक्ष का काम करना चाहिए, क्योंकि विपक्ष का काम करने के लिए आप यहाँ तो होते नहीं है, आप तो यहाँ से दूर होते हैं, तो इसलिए आपको थोड़ी आने में दिक्कत होती है। जैसा कि आपने बताया कि कल वो एक अपनी गाड़ी से जो है वो बृहस्पति रोड से आ रहे थे, तो उनकी गाड़ी अगर कोई छोटी मोटी गाड़ी होती तो गाड़ी कहीं अलग टूटी फूटी पड़ी होती और आप कहीं अलग पड़े होते। तो ऐसा नहीं है कि आज की डेट मुस्तफाबाद के अंदर लोगों के पास बड़ी गाड़ियां नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुस्तफाबाद के अंदर भी हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े उनके अपने कारोबार हैं, बड़े मजबूत लोग हैं, बड़े बड़े उनके पास साधन हैं। मुस्तफाबाद आज पुराना मुस्तफाबाद नहीं है। आप जब आए थे उस वक्त मैं मानता हूं कि मुस्तफाबाद के लोगों के पास इतने साधन नहीं थे, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफाबाद के लोगों के पास साधनों की कमी नहीं है। आपने एक बात और बताई कि जब कुछ दिन पहले जब आप यहाँ विधायक थे तो किसी लड़की ने, किसी बच्ची ने आपसे कहा कि हसन भाई, इस रोड को आप बनवा दीजिए, आप ही बनवा सकते हैं, जबकि आपने उससे कहा कि MCD के पास है। लेकिन जब उस बच्ची ने आपसे कहा कि इस रोड को आप ही बना सकते हैं, तो आपने रातों रात बृहस्पति वाला रोड बनाया, जो आपने अपनी स्पीच में कहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपने ऐसा कौन सा रोड बनवाया था जो 2 साल के अंदर टूट गया? क्योंकि पिछले 2.5-3 साल से हम देख रहे हैं, 2 साल से तो इस रोड के ऊपर इतना बुरा हाल है कि निकला नहीं जा रहा है, पानी भरा हुआ है, नाले टूटे हुए हैं। जो उस रोड के आसपास भगीरथी बिहार या पुराने मुस्तफा के लोग हैं, उनका दर्द उनसे पूछिए कि उनको कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ता है अपने घर से बाहर निकलने के लिए। तो आखिर इसकी क्या वजह थी जो आपने रोड बनवाया और वो 2 साल भी नहीं चल पाया, उससे पहले ही टूट गया? तो मुझे लगता है कि शायद ये काम भी आपने कहीं ना कहीं कागजों में कराया होगा, हकीकत में आपके सामने नहीं है। इसके अलावा हसन भाई, मैं पूछना चाहता हूं कि बहुत अच्छी बात आपने कल जो है रखी है और बहुत अच्छा काम आपने किया कि आपने प्रदर्शन किया MCD के खिलाफ, लेकिन बहुत अच्छा होता कि आप मुस्तफाबाद के लोगों के साथ आप ये प्रदर्शन दिल्ली MCD के मुखिया जो यहाँ के मेयर हैं उनके खिलाफ करते, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनके घर पर जाकर करते या उनके MCD के दफ्तर के बाहर करते। या फिर आपको ये प्रदर्शन करना था तो यहाँ पे जो मौजूदा विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, जनाब जगदीश भाई, जगदीश प्रधान जी, उनके यहां जाकर आपको ये प्रदर्शन करना था, उससे आपको फायदा मिलता, उससे लोगों को फायदा मिलता। लेकिन आपने तो अपने ही लोगों के साथ, जो आपके खुद के काउंसलर हैं, जो परवीन बेगम आपके खुद की कांग्रेस पार्टी की काउंसलर हैं, हमारी बात छोड़ दीजिए, लेकिन आपने उन्हीं के खिलाफ, आपने उन्हीं के इलाके में, क्योंकि वो सब हम सब मुस्लिम इलाके के लोग माने जाते हैं, तो आपने वहीं पे ये प्रदर्शन किया, क्योंकि आपको यहाँ सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए, आपको यहाँ पे सिर्फ गैर मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए। क्योंकि आपने ये साबित कर दिया, अगर आप यहाँ भाईचारा और एकता का अगर काम करने के लिए इच्छुक होते या आप काम करते, तो ना तो आपको जनता यहाँ की आपको हराती और ना ही आप यहाँ प्रदर्शन करते, बल्कि आप BJP के मुख्यालय पर प्रदर्शन करते। बाहर आपने जो भी किया बहुत अच्छा किया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ के विधायक रहे 2 बार, आपने यहाँ जो काम किया है वो हम बताते हैं आपने क्या काम किया है।
आपने यहां काम वो किया है कि अंदर पूरा जख्म भरा हुआ है और ऊपर से मरहम पट्टी लगा के आपने वो उसको साफ सफाई दिखा दी जिससे जनता में आपकी वाहवाह हो जाए। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि आपके निगम पार्षद यहां पर जो कांग्रेस पार्टी के निगम पार्षद रहे हैं, चाहे वो मारूफ भाई रहे हो, चाहे वो हाजी ताज मोहम्मद साहब रहे हो, चाहे वो मास्टर जी रहे हो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से तीनों निगम पार्षद आते थे, आपने एक भी नाली यहां नहीं बनवाई, आपने एक भी पुलिया यहां नहीं बनवाई जिससे निगम पार्षद का पानी आराम से निकल जाए, साफ सफाई में आराम से कूड़ा बाहर आ जाए, लोगों को फायदा हो। बल्कि हद तो यह है कि 25 फुट रोड है, मेन 25 फुट रोड जहां कब्रिस्तान का एरिया है, जहां पे आज के वक्त जल भराव की ज्यादा समस्या सामने आ रही है, सच्चाई तो यह है कि आपने ये नाले कभी नहीं बनवाए। 25 फुट के दोनों तरफ के नाले, मैं भाइयों मेरे दोस्तों मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कोई आदमी ऐसा है जो ये बता सकता है कि नाला कभी उन्होंने बनता हुआ देखा है? हाँ, बनता हुआ देखा जरूर है, लेकिन वो कैसे बनाए मैं बताता हूं। नाले की बाउंड्री के ऊपर दो तीन आपने